वेलकम टू मिथिला टीवी। अपने देख रहल छी मिथिला टीवी यूट्यूब न्यूज चैनल। निवेदन जे अपने चैनल के सब्सक्राइब क वीडियो के शेयर कैल जाओ। ई वीडियो अछि वर्ष 2022 के जानकी नवमी महोत्सव के जे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा दिल्ली में मनाओल गेल। ई कार्यक्रम संभवतः रेखांकित कर योग्य कहल जा सकत अछि, कारण दिल्ली में प्रथम बेर माटि के सीता के मूर्ति बना षोडशो उपचार सँ पूजा क जन्मोत्सव मनाओल गेल। मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा देला के बाद आरती सेहो कैल गेल। जानकी जी के जन्म के अवसर पर बधैया गीत सेहो गायल गेल। Oh।
आप इन कार्यक्रम के संयोजक बलदेव झा, MSU के उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश झा के संग अन्य पदाधिकारी अपन अपन विचार राखल। श्रीमान, आई 2022 के अगर एकटा नाम देल जाए जानकी वर्ष तो अतिशोक्ति नहीं है। महज 3 साल के अंदर मिथिला से जे एकटा नव क्रांति के शुरुआत भेल है, वो लाग रहल है कि जे देश के कोना कोना में मैथिल बहुत शीघ्र से शीघ्र अपन लक्ष्य के तरफ बढ़ रहल छे। जाय जानकी के उपेक्षा कैल जाय छल तकरा लेल आ यहां सब जे कार्यक्रम केलहुं हैं ते पर की कह चाहे छी। सबसे पहले तो गप जे जय मां जानकी, जय मिथिला, जय जन्मभूमि। जानकी जन्मोत्सव हम सब अति 42 साल के 44 साल के उम्र भर गया, बहुत सारा चीज देखल जीवन में, सब चीज हम नहीं चलो है, लेकिन जखन ज्ञान भेल तो देखलिए जानकी जी के बारे में जत जानी तो शक्ति, त्याग, तपस्या, प्रेम, स्नेह तो अत पैघ मिथिला के बेटी और ओ अहा लगे जेना कतौ मतलब हरा गेल छथि टाइप के हमरा लागि रहल अछि। हमरा प्रभु श्री राम हमर सबके आदरणीय छथि, हम प्रभु श्री राम के माध्यम से भगवान के मानै छियनि, हमसब सबके करै छियनि, लेकिन हमर बेटी के जे सम्मान छै ओकरो भेटबाक चाही। तो चाहे हम जहिया से सुनलहुँ जानकी महोत्सव के बारे में, जानकी जन्मोत्सव के बारे में, तो 2-3 दिन हमारा नींद नहीं भेल और कहे नहीं एक करे के छै और बहुत ऐतिहासिक कह सकै छी जे दिल्ली के धरती पर पहिल बेर जानकी महोत्सव जे छै से मूर्ति माँ के एहिठाम आयल छल, ओकर विधिवत पूजन भेल, पूजन पहिल बेर ऐतिहासिक मतलब पहिल बेर भेल अहाँके पूजन। तो एक चेतना के संग की माँ जेना सबक पूजा होइ छै ना, तऽ जेना हमसब सब भगवान के पूजा करै छी, तेना माँ जानकी जन्मोत्सव के जे छै से मिथिला के हर घर में फेराक चाही, एहि कामना के संग हमसब शुरुआत केलहुँ हैं। और हम तो सब निवेदन कर रहा हूँ, बार बार निवेदन कर रहा हूँ, कहलिए ना जे माध्यम से हो सके या चाहे बच्चा माउथ टू माउथ हो सके छे, मतलब मौखिक या सोशल मीडिया के माध्यम से हम कहलिए ना जे कम से कम आजुक दिन जे छे से हर घर में माँ जानकी के नाम से पास्ता दिया संध्या समय जाओ। वेरी गुड, अब उनके आरती करियो, वंदन करियो। बहुत निक विचार, बहुत निक विचार। अही विचार के आवश्यकता है युवा पीढ़ी के ऊपर में जो जिम्मेवारी है ओकर कंधा पर जो जिम्मेवारी है तकरा तरफ अहाँ सब बढ़ रहल छी, अहाँ सब प्रशंसा के पात्र छी। एकैटा चीज के डर बेर बेर मिथिला के सताबै है जे विद्यापति मिथिला के एकटा आइडल पर्सन रहलथि लेकिन हुनका राजनीतिक मुद्दा बना दिलियन, मंच के एकटा व्यक्ति बना के छोड़ दिलियन। तहिना जानकी के संगे ई बात नहीं होय कि अपने आश्वासन दै छियै जे जानकी एकटा मंच के शोभा बढ़ावा वाली चित्र बनि कर नहीं रहि जेती कि घर घर में दिया जलत। कहबे करो जे परिकल्पना छै मां ई एहि धरती पर तैयारी के धरती पर छोट छै, एकदम परिकल्पना छै, लेकिन ई जे कदम जे छै से छोट छै नहि छै। हम जे अपन मन में जे परिकल्पना केलिए ई बहुत विस्तृत छै, बहुत विस्तारित छै। तो माँ जानकी के आशीर्वाद रहतनि आबे वाला समय में, मतलब जरूर कहब जे देखबै हमर सपना एक कहबे कहलहुँ जे बलदेव झा सब बेहतर कोई नहीं भऽ सकै छै, से संभव नहीं छै, एकटा गैप हरदम रहतै। हम एहि चीज के मानै छी जे एकटा गैप हरदम समाज में रहत, हमरो से बेहतर कोई हेतै, हम जतौ तक जेबै माँ जानकी की छत तक हम करबै, ओ तो बेहतर करे ला कोई लाल मिथिला के पेड़ हेतै। तो कहब मतलब जे मिथिला स्टूडेंट यूथ के, मिथिला स्टूडेंट यूनियन जे है से यूथ के जे हर चीज में मिथिला के समृद्ध खुशहाल मिथिला के ना बनाए, समृद्ध मिथिला के ना बनाए, अपन संस्कार के ना बचाए, अपन सभ्यता के ना बचाए, ओहि के लेल हमर नौजवान के युवती सब काज कर रहल छै, हम सब हुनकर सहयोगी छियनि, गार्जियन के रूप में सबके मार्गदर्शन करै छियनि। और कहबे कहलहुँ अपनो आइ 28 साल से हम दिल्ली में रहि रहल छी, 15 साल के एखन चलि रहल दिल्ली आबि गेल छी, लेकिन
हृदय में मिथिला के मातृभूमि के बारे में सोचे चित्र लगे कि बहुत पीछा बहुत किस तरह के कोई परिकल्पना के संग कहे कलम है जो राजनीतिक के बाते नहीं है हमर हम एक चीज कह बलदेव झा जो है अहाँ के हम एक चीज से संघर्ष करब मैथिल के साथ मिथिला के साथ जे भी को संगठन कभी राजनीतिक पार्टी है तो कठिन गलत हम सब आवाज उठेबे करब हम सब आवाज उठेबे करब हमारे राजनीति किया कर राजनीतिक उद्देश्य हमारे नहीं हमारे एक उद्देश्य है कि मिथिला के कल्याण केना हेतै मिथिला के को भी सब समाज के बलदेव झा के जरूरत पड़ते रात 12 बजे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जरूरत पड़े रात 12 बजे कोनो भी चीज के लिए आदमी पर देखे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नौजवान के फोन कर हमारा खून चाहिए अहाँ के खून चाहिए हमारा अधिकार मतलब अधिकार के सौ वर्ष के साथ दियो कोनो गलत चीज के लिए हमसे फाइट नहीं करी हम सब नीक चीज के लिए संघर्ष कर रहे अतक पैक पैक आंदोलन कहे के दरभंगा एयरपोर्ट एक सपना चल तो देन से आज कोई आ जाए एक सपना जो है मिथिला स्टूडेंट यूनियन के देन है तो बहुत सारा चीज के लिए नौजवान सब संघर्ष कर रहा है हमारा सबके चाहिए हम सबके सहयोग समर्थन आशीर्वाद दे रही है और करते रहिए प्रेम सर अपने की कह चाहे छी बलदेव सर के बात अपने सुन लो अपने की विचार है भैया के विचार बहुत बढ़िया है हमरा सब के इच्छा रहे सब जगह अपन अपन समाज के हिसाब से सब अपन अपन पूजा पाठ अपन संस्कृति के बारे में सोचे छे और करे छे तो संगठन के विचार भेले जे सब पकड़ते है तो क्या मिथिला में मैथिली जैसे क्या पिछड़ल है हम सब विद्यापति समारोह करे छी या जे किछु बहुत सारा कार्य करे छी जानकी महोत्सव के एक विचार भेले और किछु लोग आवाज देलखिन जे नहीं जानकी महोत्सव हेबाक चाही तो हम सब एक आवाज उठेलिए और हमरा बुझाइए जे आई के डेट में आई के दिन कम से कम 50 जगह जानकी महोत्सव भ रहल है बिल्कुल हमरा सबके बहुत खुशी भेल एक आवाज देलिए और ये आवाज बुलंद भेले और रहे राजनीति के बाद तो जे समाज के लिए काज करते वो राजनीति करे नहीं करे लोग राजनीति के करते करते क्या तो समाज में हम छे तो राजनीति के करते सत्य छे हम राजनीति कह नहीं रहा छे सिर्फ दिखाई दे रहा छे अगर हम समाज के कखनो खून के जरूरत पड़े छे तो हमारे संगठन दौड़ के खून दे रहा छे अगर हम नहीं बजबे तो के बजते कखनो अगर कतौ अन्याय हो हमर संगठन ठाड़ हो आंदोलन करे तो की हम नहीं बचबे तो के बचते एक आश्वासन अहाँ सबके जरूर देव हम समाज के बीच में छी किछ व्यक्ति अगर एहिमे से निकल के राजनीति करे छथिन तो उनको अपन पर्सनल इच्छा परिकल्पना छन हमर संगठन कहियो राजनीति नहीं करत संगठन से निकल के अगर कोनो व्यक्ति अपन पहचान बना कर राजनीति करे छथिन तो सब स्वतंत्र छै आई के डेट में जे बीजेपी में रहे क्यों कांग्रेस में छै क्यों कांग्रेस में से आम आदमी में चल गए तो ये अपन अपन लोग के विचार छै लेकिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कईटा विचार छै जब तक कतो अन्याय हेतै हम पियरका झंडा लगा ठाड़ रहबै जय मिथिला जय मैथिल आब एक सवाल उठैया सर जे जानकी महोत्सव मनेबा के लेल बहुत रास चुनौती है यहाँ के सामने में चुनौती में सबसे पहिल चुनौती है जे भारत में 18 पुराण लिखल गेल लेकिन जानकी पुराण नहीं है आई जहाँ पूजा केलों है वो पूजा पद्धति में पंडित जी यहाँ के बात के सत्यापित करता कि जानकी जी के जे पूजा करवाक चाहिए वही के लेल शास्त्र में नहीं लिखल है सवाल उतवे टा नहीं बचल सवाल बचल जे मिथिला में जखन हमर टीम जाकर सर्वे केलक और ओहिठमन लोग सब पूछलक जे जानकी के छथि कहिया जन्म भेल छनि जवाब नहीं देल भेलनि जानकी के लोग चिन्ह ले तैयार नहीं छथि बुझल नहीं है कि एक कार्यक्रम के माध्यम से की संदेश देबे चाहे छी अहाँ हम देख के टा संदेश देवे कि रामायण के ठीक से देखियो वहाँ के जानकी के महत्व और हुनकर त्याग पता चलत अहाँ अपने आप बुझबे कि जानकी के छथिन पहचान के जरूरत नहीं छे हमारा माइन के ठीक से देखियो अहाँ के अपने आप समझ में आ जाए कि जानकी कतौ जन्म लेने रहिन जानकी के रहिन और जानकी के कतेक त्याग छन अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहिन तो जानकी के बहुत सहयोग छन तय राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम भेल सवाल एक उठल सर कि जखन राम के जन्म
दिवस अबै छन त प्रधानमंत्री ट्वीट करै छथि, लेकिन 75 साल के अंदर में भारत के हिंदू राष्ट्र के सपना देखेनहार प्रधानमंत्री जानकी नवमी के 1900 लक अखन तक में ट्वीट नहीं कलक, मिथिला टीवी विरोध कलक 2019 में, लेकिन तकर बावजूदो में अखन तक ट्वीट नहीं कला, की कह चाहे छे? बहुत नीक बात कहलो है। हमरो सबके कतौ कतौ चोट पहुँचे छला, हम सब आंदोलन करे छी, विकास के बात करे छी, लेकिन हमर माता के नाम कतौ नहीं देल जा रहल है, प्रधानमंत्री जी के नहीं बुझल छन। लेकिन ई जे जानकी महोत्सव आज 50 जगह जे भेलैय तो प्रधानमंत्री जी कतौ न कतौ से जरूर देखथिन कि जानकी महोत्सव क्या भ रहल छे, और कतौ न कतौ हुनका दिमाग में जरूर क्लिक करतन। तो हमरा ई आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आबो वाला जानकी महोत्सव में प्रधानमंत्री जी जरूर हमरा सबके बतेता कि जानकी की छथिन, और जानकी के लेल सेहो दू शब्द जरूर रखता, हमरा अपना विश्वास है जी। एकटा जरूरी अहाँके हम बात बता दी जी जी, जे ई जे सोशल मीडिया जे छै से सोशल मीडिया पर जतेक राजनीतिक पार्टी छथि हुनकर सबके जे छै से पूरा पेनी नजर रहै छै। बहुत हमरा मतलब हम सब नहि कहि सकै छी जे बहुत गौरवान्वित महसूस कऽ रहल छी आइ, जे सोशल मीडिया के जे कैंपेन भेलै है जखन से जानकी महोत्सव के, आइ बीजेपी कार्यालय दिल्ली प्रदेश के बीजेपी कार्यालय में पहिल बेर अहाँके माँ जानकी महोत्सव मनायल जा रहल अछि, आइ मोदी जी तक आवाज पहुँचबे टा करतै, कोनो भी राजनीतिक पार्टी मिथिला के अनदेखा आब नहि कऽ सकै छथि, ओहि के लेल हम तऽ वचन दऽ दै छी। जी सर, अपने के आप की लागि रहल है कि जे की जानकी महोत्सव के अवसर पर अपने अपन की विचार रखा चाहे छी? देखियो, हम सब विगत मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जन जन्म भेल रहे ओहिठाम से हम जुड़ल छी, और हम सब आवाज उठाबे के लिए एगो जानकी महोत्सव नहीं कहियो चाहे कोनो महोत्सव हो, एक आवाज जहन उठे छे तो ओकर किछ महत्वाकांक्षा होय छे, लोग ओहि चीज के जगे छे। अहाँ के क्वेश्चन है जे ऐसे हम की कहबे, संदेश की देवे, संदेश हम ई देबे चाहे छे कि अहाँ के घर में जे बच्चा है, बच्चा के नहीं पता छे कि माता जानकी के छलखी है। बिल्कुल, तो ई जे जानकी महोत्सव हेतै होय की छे, जे सरस्वती पूजा जहन अहाँ करै छिये तो घरे घरे सरस्वती पूजा होय छे, तो अहाँ के बच्चा अहाँ से पूछैये जाकर कि पापा ई कथी छथिन, तो अहाँ कहै छी सरस्वती माता छथिन, विद्या के दाता छथिन। तेनाहिए वही प्रकार जहन इनकर पूजा हेतै, ई तो पहिल दिवसीय पूजा छै, जहन हिनकर पूजा हेतै हर बेर हेतै, तो अहाँ से अहाँ के बच्चा पूछे तो अहाँ ओकरा बताबै लेल विवश भऽ जेबै, अहाँ ओकरा लेल रामायण, अहाँ ओकरा लेल जानकी के उत्पत्ति जहन सीतामढ़ी में भेल रहे ओतय जाकर हुनकर पति पूछबै, और तहन अहाँ ओकरा जवाब देबै। हम ई संदेश देबय चाहि रहल। बिल्कुल मैडम, अगर मैथिलानी के सब एकटा सवाल पूछल जाए कि जे अहाँ कोन कोन त्योहार मनबै छी, तऽ सबटा त्योहार के नाम कहि देती लेकिन जानकी नवमी के नाम नहीं कहती, की कारण है? मिथिला जय मिथिला, जय मैथिली, जय मिथिलावासी। सबसे पहिने माँ जानकी के प्रणाम करे छी, बहुत बहुत शुभकामना दै छी जे अहाँ सब इमहर एलहुँ हैं, अपन उपस्थिति दर्ज करेलहुँ हैं। आज जे अहाँ प्रश्न पूछलहुँ हैं ओहि के कारण आइ हम सब पिछड़ल जा रहल छी, आइ हम सब पाछू छी, कियाकि हम सब मिथिला मैथिल मे नारी सम्मान और माँ जानकी के जे शक्ति रूप छलनि हैं, जे शक्ति स्वरूप और लक्ष्मी रूप छलनि हैं, हुनकर दर्शन नहि केलहुँ, हुनकर चर्चा नहि केलहुँ, हुनकर वार्ता नहि केलहुँ, हुनकर सम्मेलन नहि केलहुँ, हुनका पूजा अर्चन नहि केलहुँ, हुनका याद नहि केलहुँ, हुनका स्मरण नहि केलहुँ। माँ जानकी के हम सब निरी माता के रूप में देख रहा हूँ, मेरी पत्नी के रूप में देख रहा हूँ, लेकिन जो वो शक्ति स्वरूप छलथि है, जो वो धरती से उत्पन्न भेल छलथि है, मिथिला के भूमि से उत्पन्न भेल छलथि है, वो शक्ति के रूप में उनका हम सब कहियो चरण वंदन नहीं करूँ, कहियो उनका गुणगान नहीं करूँ। आए बहुत खुशकिस्मत छी हम सब जे आए माँ जानकी के शक्ति स्वरूप के रूप में अस्त्र और शस्त्र लऽ कऽ माँ जानकी के हम सब पूजा कर रहल छी। तो नारी जे छै से माँ शक्ति के रूप छै, अवतार छै, माँ अष्टभुजाधारी छथिन। एक हाथ से अगर वो अपन घर के काज संभाले छथिन तो दूसर हाथ से इतने हिम्मत और इतने ताकत छै जो समाज और राष्ट्र के सेहो संभाल सके छथिन। तो आय बलदेव भाई जी संदेश देलखिन हैं जे माँ जानकी
एकटा त्याग और ममता के मूर्ति के साथ एकटा शक्ति स्वरूप सेहो छलथि है और ई संदेश देबय चाहे छथिन जे हम सब नारी अबला ने सबला छी आ माँ जानकी के रूप में हम सब अपन समाज ले अपन परिवार ले अपन देश ले अपन संसार ले बहुत किछ कह सके छी क्योंकि हम सब संपन्न छी हमरा सब के एकटा मौका चाही से मौका बलदेव भाई जी आए हम सब के दिलैत है माँ जानकी के जन्मोत्सव के सर अहाँ एकटा उद्यमान कलाकार सेहो छी गहरी अनुभव रखै छी मिथिला और मैथिली के ऊपर की विडम्बना भऽ सकैया जे मिथिला में जानकी के एतेक देर से लोग आगू बढ़ के पूजा केनाइ शुरू केलथि है सबसे पहले तो एकटा बात कहब चाहे की होइ छै ने अपना सब में कि अपना सब अपने में बात लड़का कराई गई छी अपन जो छोट बच्चा छे घर में हम अहाँ बड़ निक हिंदी बतिया लै छी बाहर में आबि के जय मिथिला के नारा लगबै छी सबसे बड़का गलती ई चीज छै ई चीज बंद केला के बाद एकता बनाबे पड़तै रहलै बात जानकी के अपन स्वरूप भेटनाय ई चीज लेल सब राजनीति पार्टी के एक होबय पड़तै ई जे हम सोचबै कि हम एगो संगठन के ई कखनो नहि भऽ सकै छी जते भी राजनीति पार्टी है जे सत्ता में छथिन ओ यदि बात आगा बढ़ेथिन मिथिला के की मिथिला के पूरा देश में पूरा वर्ल्ड में फेमस छै और नौतो जानकी के सम्मान भेट जेतै ई हमर उद्देश्य है मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तरफ से आई हम आयल छी हमरा एक चीज बड़ निक लागल जे दिल्ली में पहिल बेर बलदेव भैया जानकी महोत्सव के आयोजन केलखिन कहलखिन ने कि बीजेपी के पार्टी ऑफिस पर एक झंडा फहराएल गेलै जानकी नवे के नाम से हमरा आशा नहीं उम्मीद है अगला साल प्रधानमंत्री जी जरूर ट्वीट कर देथिन जानकी महोत्सव के अपने समस्त मिथिलावासी के हम बधाई दै छी ठीक छै बहुत बहुत धन्यवाद सर हे प्रत्यक्ष दर्शी जौ अपने के ई वीडियो नीक लागल तो तत्क्षण सब्सक्राइब कैल जाओ मिथिला टीवी के संपर्क सूत्र अच 9971362584 पता अच www.mithilatv.wordpress.com फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेज सके छे मिथिला MS TV संपादक श्याम सुंदर झा उप संपादक विभा झा धन्यवाद।